अगला क्वेश्चन है मंथली इनकम। मानिक भाई आप कौन से कलर का अंडरवेयर पहनते हो? भाई 12th में कितने मार्क्स आए थे? नहीं बताऊंगी। बता, हमारे साथ की जो बेस्ट मोमेंट थी ना वो कब थी वैसे मुझे भी याद नहीं। तो बताओ 2 मिलियन का सरप्राइज रहेगा। थोड़े टाइम के लिए जोमेटो में भी काम किया तुम्हारे भाई। When will you both get married? When you both kissed first time to each other? नॉटी हो रहा है जानू अर्जुन सेन ये आपके लिए। लव यू ब्रो। तुम्हारे भाई के 10 मिलियन हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे। So, hey guys, welcome back to another video. कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। So, guys, जैसे कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा आज की वीडियो होने वाली है Q&A की। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के, तो आज भाई हो सकता है थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो बट पूरी देखना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं और कुछ तो भाई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी है बट उनका भी तुम्हारा भाई अपने तरीके से आंसर देगा। So, guys, अभी कैमरा वगैरह सेटअप कर लेते हैं और हम बैठ के फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं, तो मैक्सिमम जो काम के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। फटाफट सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको ताकि आपको मजा आए वीडियो देखने में और आज की वीडियो पूरी देखना, हो सकता है आपके क्वेश्चंस भी हो बीच में, ठीक है, जो आपके काम के हो। ठीक है, क्या तेरे को हंसी क्यों आ रही है? So guys, इसने पता नहीं कौन से क्वेश्चंस पढ़े वो सोच के हंस रही है। क्या 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 था क्वेश्चन में ऐसा? गाइस आप ऐसा क्या पूछते हो जिसे हंसती है? ये क्या फनी हो यार आप लोग। कैमरा सेटअप रेडी कर दिया हुआ है, तो अब गाइस मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा रैंडमली, जो जो मेरी आंखों के सामने आएगा इसमें फोकस पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन फटाफट पढ़ते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये वाली लाल थी मैंने कम्युनिटी पोस्ट और भाई इसमें बहुत 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, What your parents think and feel about your each other? मतलब सिंपली ये पूछ रहे हो कि आपके पेरेंट्स आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं, क्या सोचेंगे? बस हम फोकस कर रहे हैं अपने फ्यूचर पे। देखो यार, अगर आपका फ्यूचर सेट है ना, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तुम्हारा भाई फोकस कर रहे हैं अपने फ्यूचर पे और सांची भी अपनी स्टडी पूरी कर रही है, अपने लाइफ में सक्सेस होना है, तो बाकी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। What's your parents' reaction after your massive success? देखो यार, आप बोल रहे हो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आपकी इतनी बड़ी सक्सेस हो गई है? भाई ये कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है, अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो ये वाला भाई भाई क्या क्या पूछ रहे हो तुम ये? अच्छा ये वाला तो पूछ ले। क्वेश्चन फॉर यू बोथ, हाउ मच परसेंट इन क्लास 12th एंड व्हिच स्ट्रीम? हाँ भाई बताओ, 12th में कितने मार्क्स आए थे? नहीं बताऊंगी। बता बता। अरे बता ना कितने आए थे, कोई बात नहीं। भाई सांची के आए थे 81 और मेरे आए थे भाई 78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर बोथ भैया एंड भाभी, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? यार बेस्ट मोमेंट हमारी कब थी? मतलब देखो, अगर हमारे साथ की पूछ रहे हो या अलग अलग पूछ रहे हो, तो मैं दोनों के आंसर दे देता हूँ। हमारे साथ की जो बेस्ट मोमेंट थी ना वो कब थी वैसे मुझे भी याद नहीं। मिले थे तभी थी यार। सही बात है गाइस, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे वही हमारे लिए मतलब सबसे बढ़िया और खतरनाक और प्यारी मोमेंट होगी। अकेले की अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा लाइफ में तब खुश हुआ था जब मैंने खुद के पैसों की गाड़ी ली थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? मेरा अपना बताता हूँ, मेरे को भी सांची का नहीं पता। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि भाई तुम्हारा भाई अभी सिर्फ यूट्यूब ही करेगा, यूट्यूब पे फोकस करना है। मैं अपनी फैमिली बहुत बड़ी बनाना चाहता हूँ यूट्यूब में। आपका क्या भाई, आप भी बताओ फ्यूचर प्लान्स आपके? पहले तो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद देखेंगे। जॉब करनी है तेरे को? नहीं, जॉब नहीं करनी। इसने गाइस ऐसे पढ़ रही है, इसको जॉब तो करनी नहीं है, फिर पढ़ क्यों रही है? गाइस अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्स योर अपकमिंग प्लान्स? तो अपकमिंग प्लान्स गाइस देखो, अगर आपको अपने प्लान्स पूरे करने हैं ना, तो भाई कभी अपने प्लान्स बताओ ही मत जब तक वो पूरे नहीं होते, तो मैं भी नहीं बताने वाला, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सरप्राइज ऑफ 2 मिलियन? तो बताओ 2 मिलियन का क्या सरप्राइज रहेगा? 2 मिलियन पे गाइस देखो यार, अभी 2 मिलियन हुए नहीं है, हो सकता है मैं कुछ और करूँ और अभी मैं अभी मतलब बता नहीं सकता कि वैसे मैं क्या करूंगा। तो जो भी होगा आपको बहुत पसंद आएगा, जो चीज तुम्हारा भाई करेगा तुम्हें पता है तुम कितना पसंद करते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ यू वुड नॉट बी अ यूट्यूबर, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू बी अकॉर्डिंग टू योर पैशन? मतलब अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता, ठीक है, तो पैशन के हिसाब से मैं क्या करता अभी तक बिना यूट्यूब के? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो गाइस सच बताऊं तो हो सकता है मैं कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहा होता। ठीक है, ज्यादातर तो एक ही है, सारे जॉब के लिए भागते हैं। सीधी सी बात है यार, जॉब ही कर रहा होता कहीं पे, और तुम्हारे भाई ने भाई जॉब बहुत जगह की है। ठीक है, जब मैं स्टडी करता था 10th और 11th में, भाई मैंने बहुत जगह काम किया है। भाई तुम्हारे भाई ने ना कंस्ट्रक्शन की शॉप पे भी काम किया हुआ है, ठीक है, एक टाइम पे, और भाई टेरामाइट का काम भी किया है। टेरामाइट का तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता होगा एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, और तुम्हारा भाई थोड़े टाइम के लिए जोमेटो में भी काम किया तुम्हारे भाई ने। ठीक है, अपने ऊपर आती है ना तो फिर कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरी वैसे भी भाई कंडीशन वगैरह यूट्यूब से पहले इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब इतनी क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं मानिक भाई हमें GoPro दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये करेंगे, हमें बाइक दे दो, बाइक का गिव अवे करो, ये करो। सो गाइस मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने काम किया था, पैसे जोड़े थे, GoPro लिया, फिर काम किया था, पैसे जोड़े और ड्यूक ली थी 250। पहली बाइक मेरी ड्यूक 250 है। ठीक है, तो अगर आपको खुद करना है ना तो आपको फिर मेहनत भी खुद ही करनी पड़ेगी उस चीज को लेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, For both, what is your saddest day of 2023? मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए तो ये दिवाली अच्छी नहीं थी क्योंकि
सांची को यहाँ पे लगी थी, और गाइस सच बता रहा हूँ इसको बहुत ज्यादा लगी थी। आपको ऐसे लग रहा होगा ना, मैंने वीडियो में भी दिखाया था भाई, वो दो तीन दिन हो चुके थे तो इसलिए ठीक हो गया था, बट जब इसको लगी थी ना भाई पूरी आंख में स्वेलिंग हो गई थी और खून निकला था इतना ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक कट लगा था इसको। तो मतलब पूरा साल बहुत अच्छा गया, बस ये जो मूवमेंट हुई ना दिवाली पर सबसे खतरनाक और डेंजर थी ये, अगर आंख में लगती ना भाई ज्यादा लग जानती सांची को। अगला एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि प्लीज सांची को बोलो ये बोलने के लिए, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बोलो भाई डिमांड आई है। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर कोई ये पूछता है हर वीडियो में, ये कमेंट होता ही होता है भाई, When will you both get married? और बहुत जल्दी आप लोगों को हमारी शादी करवाने में। और भाई आगे और भी लिखा हुआ है, आगे लिखे एंड when you both kissed first time to each other, क्यों बताएं? नॉटी हो रहा है। देखो यार शादी अभी भाई तुम्हारा भाई इतना छोटा है यार, अभी कैसे शादी कर ले, ठीक है, कम से कम भी 5 साल के बाद, कम से कम 5 साल के बाद। नेक्स्ट का जवाब मैं दे देता हूँ 15 नवंबर, मुझे डेट भी याद है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है, इन्होंने ये पूछा व्हाट इज योर ड्रीम बाइक। सो गाइस मेरी ड्रीम बाइक जो है ना वो H2 ही है, बट ब्रांड न्यू सेकंड हैंड। ड्रीम कार, ड्रीम कार तो भाई इतनी ज्यादा है ना मेरी, मैं बता नहीं सकता, बट अभी तो मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। वैसे नॉर्मली मेरे को पसंद है भाई BMW की Z4, बाकी अगर भगवान है चाहे इन फ्यूचर और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे तो तुम्हारा भाई उस मुकाम तक भी जरूर पहुंचेगा। भाई साहब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग यार, भाई बड़े बदतमीज हो रहे हो, नॉटी हो रहे हो क्या भाई, इतने गंदे गंदे क्वेश्चन मत पूछो, पहले बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, गंदी बात आंसर नहीं मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन और पूछा गया हुआ है कि मानिक भाई BMW S1000 RR या फिर निंजा H2, तो मैं जाऊंगा निंजा H2। H2 पता है आपको क्या चीज है, पता है आपको, जब तुम्हारा भाई लेगा ना तो कोशिश तो मेरी यही है और मेरा ड्रीम भी यही है कि अगर मैं H2 कभी लाइफ में लू तो ब्रांड न्यू लू, तो देखते हैं आप कब तक आती है हमारे इंडिया में। बहुत लोग पूछते हैं, काफी वीडियोस में गाइस आप ये चीज पूछते हो व्हाई यू डोंट शो योर फादर इन योर वीडियोस। सो गाइस इसका मैं एक सिंपल सा आंसर देता हूँ, मेरे पापा हमारे साथ अभी नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं अकेले। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट हैबिट ऑफ जानू दैट यू लाइक? जानू भाई देखो गाइस, जानू है अपना भाई, अपना ये दिल है ना बस यहाँ पे है वो, ठीक है, उसकी मेरे को सबसे एक प्यारी चीज पता क्या लगती है, मतलब उससे कोई भी बंदा जितना मर्जी गुस्सा हो जाए या फिर वो किसी बंदे से जितना मर्जी गुस्सा हो जाए, जब आप उससे फेस टू फेस मिलने जाओगे ना भाई, थोड़ा सा उसको हंसाओगे ना वो हंस जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। और एक चीज और बताऊं भाई, जानू अर्जुन और इनसेन तीनों ना भाई अपने दिल में, ठीक है, और ये तीनों भाई दिल के ना इतने सही है, इतने साफ है, हमारी बहुत बार लड़ाई होती है बट हम मिलके ना एक दूसरे को मना ही लेते हैं। जानू अर्जुन इनसेन ये आपके लिए, लव यू ब्रो। काफी लोग पूछते हैं कि मानिक भाई आप मोटो व्लॉगिंग कम कर रहे हो और सांची जी के साथ वीडियो ज्यादा बना रहे हो। सो गाइस मैं आपको इस चीज का जवाब दे देता हूँ आज, वैसे मैंने देना नहीं था, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं ना स्टार्टिंग से उनको पता है, जब मैंने सारी चीजें स्टार्ट की है सांची से, और सांची ने ही मेरा स्टार्टिंग से बहुत साथ दिया हर एक चीज में, जहां मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं जा रहा हूँ चलेगी चल पड़ती है, ठीक है, हम दोनों मिलकर व्लॉग बनाते हैं, मोटो व्लॉग भी मैं बनाता हूँ, काफी मोटो व्लॉग भी बनाता हूँ। अगर जिनको थोड़ी सी मिर्ची लग रही है ना कि मैं सांची साहब व्लॉग क्यों बनाता हूँ, तो आपको लगती रहेगी, जो मुझसे प्यार करते हैं ना उनको मजा आता है देखने में, ठीक है, और उनको अच्छा लगता है और प्यार दे रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत हंसी आने वाली है सुन के। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाई सांची की मम्मा से आप पहली बार कब मिले थे? सो गाइस देखो मैं आपको बताऊं, मैं जब फर्स्ट टाइम सांची की मम्मा से मिला था ना मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, मैं सांची के घर पे गया था तो उन्होंने ना मेरे को खाने के लिए दिए थे खजूर, दिए थे ना, हाँ वो खजूर आते हैं ना, तो मानिक को वो खाने के लिए दिए थे। अब मानिक ने क्या किया, खजूर के अंदर जो उसका बीज होता है ना, मानिक ने वो अंदर ही कर दिया। गाइस मैं डर गया था, मतलब मेरे को बड़ी से शर्म आ रही थी, ठीक है, समझ, डर तो लगता ही है यार, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं इसकी मम्मा से मिल रहा हूँ। तो गाइस उन्होंने मेरे को खजूर दिया था खाने के लिए, वो मैं खा रहा हूँ, उसके अंदर गुठली होती है ना वो ना मतलब मैं फेंक नहीं पा रहा था, मैंने वो अंदर ही ले ली, दो बार खाई है मैंने। और गाइस अगला क्वेश्चन है व्हेन यू बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड, एनी हिंट मैं आपको देता हूँ, जब तुम्हारे भाई के 10 मिलियन हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी से स्पोर्ट करना स्टार्ट करो, फटाफट 10 मिलियन कराओ, हम शादी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है When will you buy a new super bike? 1.5 million पे हम एक और न्यू सुपर बाइक वापिस ले आएंगे, हो सकता है पुरानी लेके आए, हो सकता है हम स्नाइपर ले आए, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि मालिक भाई आप जिम जाते हो और आपका बेंच कितना है? ओह माय गॉड, ये बंदा पक्का मुझे फॉलो करता है, तभी इसको पता है मैं जिम जाता हूँ। 110 तुम्हारे भाई इजीली बेंच मार लेता है, 2 रैप वो भी सेल्फ, हो सकता है मैं रील भी डालूं, तुम्हारे भाई ने 5 kg लूज किया भाई 2 मंथ में। अगला क्वेश्चन सुनो, हु इज योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड? स्किप दिस क्वेश्चन प्लीज गाइस, आंसर मिलना चाहिए ना, सबको पता चलना चाहिए। गाइस मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी ना वो मैंने बनाई थी आई गेस 4th में, क्योंकि हम जिससे हम मीठी बात कर लेते थे ना उस टाइम पे, तो भाई ये मेरी बंदी है, समझ रहे हो, याद भी नहीं है गाइस। अगला है आप दोनों की एज कितनी है?
सो गाइस तुम्हारे भाई की एज है इस टाइम 23 और 6 जन को तुम्हारे भाई का आता है बर्थडे। तो मेरी है 21 और बर्थडे आता है 27 अप्रैल। तो पहला बर्थडे तो तुम्हारे भाई का ही आएगा। अगला क्वेश्चन है मंथली इनकम। गाइस किसकी, इसकी की मेरी? मेरी क्या, आपकी? सो गाइस मंथली इनकम सिंपल से तुम्हें बता देता हूँ, आईफोन 15 प्रो तुम्हारा भाई एक मंथ में 3 तो नहीं लेता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानिक और सांची आप दोनों का घर पे नाम क्या है, मतलब आपको, मतलब कहने का मतलब आपको घर पे किस नाम से बुलाते हैं? तो ये तो मेरा नाम तो सुना ही होगा आप सब। मैं भी बोलता हूँ उसी नाम से इसको बुलाता हूँ। हाँ। वैसे इसके मैंने नाम तो बहुत सारे रखे हैं, ठीक है। वैसे इसका घर पे नाम है गिनी और तुम्हारे भाई का है मनु। गिनी मनु कितना प्यारा नाम है गाइस। इसको मैं मोटा भी बोलता हूँ, इसको मैं भाई भी बोलता हूँ, इसको मैं गिनी भी बोलता हूँ, इसको मैं संजू भी बोलता हूँ। संजू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से बोलता हूँ ना संजू, बीच बीच में संजू बोलता हूँ इसको मैं ऐसे ही। आपको पता है मुझे क्या बोलती है कभी कभी? उस्ताद, उस्ताद जी। किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानिक भाई मेरा क्वेश्चन तो नहीं है बट मैं चाहता हूँ आप एक बार कैमरे के सामने सांची को किस करें। होगी होगी गाइस, कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो भाई, कितने हरामी हो भाई तुम लोग। और गाइस अगला क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूँ मानिक भाई और सांची दीदी दोनों साथ में बोले मोए 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 मोए। मानिक भाई आपका गोल्डन प्ले बटन क्यों नहीं आया? सो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जब आपके चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आती है ना उस वजह से भाई थोड़ा डिले हो जाता है। तो मेरे चैनल पे वैसे भी एक साल से ज्यादा हो गया मेरे को स्ट्राइक नहीं आई, बट पता नहीं क्यों मेरे को कह रहे हैं 90 डेज का वेट करो, उसके बाद हम आपका चैनल रिव्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे आपका क्या अपडेट है गोल्डन प्ले बटन को लेने में। ये भी ड्रीम है यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, तो देखते हैं, वेट ही कर रहा है तुम्हारा भाई अभी। अगला क्वेश्चन है मानिक अत्री भाई आपका रियल नेम क्या है? मानिक अत्री। अगला क्वेश्चन बोला गया कि मानिक भाई प्लीज मैं चाहता हूँ आप सुपर बाइक लो तो S1000RR ही लो। कोई बात नहीं गाइस, तुम्हारे भाई भी है ना यार, थोड़ा टाइम तो दे दो, हो सकता है वो भी ले सकते हैं, थोड़ा टाइम दे दो बस। 1.5 मिलियन पे कोशिश पूरी करूंगा, कोई एक सुपर बाइक लेके आऊं, अब देखेंगे कि कौन सी लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन है आप डिमोटिवेट कब हुए थे? डिमोटिवेट गाइस देखो लाइफ में ना डिमोटिवेट बंदा होता ही होता है, बहुत बार होता है और होना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद जब आप मोटिवेट होते हो ना तो आप और स्ट्रांग होते हो। अगला क्वेश्चन है आज तक आपके कितने रिलेशन रह चुके हैं? मेरे नहीं है भाई, तेरे लिए पूछा है। ओनली वन। अब अगला क्वेश्चन मानिक के लिए, योर मोटिवेशन? माय मदर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी करंट बाइक्स डू यू हैव? सो गाइस मैं आपको बताता हूँ तुम्हारे भाई के पास इस टाइम बाइक्स है 3, ठीक है। एक है सबसे पहली और सबसे पुरानी बाइक जो की थी मेरे भाई की, वो थी पल्सर 220, वो है बट मैं बहुत कम यूज करता हूँ उसको, मैं संभाल के रखा हुआ मैंने, Z1000 ड्यूक 390। और तुम्हारे भाई के पास एक गाड़ी भी है जिसका नाम है वरना माफिया। तो अगला क्वेश्चन है मानिक भाई आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? तुम्हारे भाई ने की हुई है भाई ग्रेजुएशन बीकॉम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे भाई का यूट्यूब पे थोड़ा सिस्टम चल पड़ा था इसलिए आगे मेरा फोकस भी नहीं रहा, अब सिर्फ फोकस यूट्यूब पे ही है। और सांची तो अभी पढ़ ही रही है। सांची वैसे तुम क्या कर रही हो? मैं अभी बीबीए कर रही हूँ, उसके बाद एमबीए भी कर रही हूँ। yes. अगला क्वेश्चन मानिक भाई आपकी कितनी एक्स रह चुकी है? वैसे तो कभी काउंट नहीं किया बट एक दिन दारू पी के हिसाब कर रहा था तो 300 के आसपास निकली थी। आप लोग 350 मान के चलो, है ना। सो गाइस अभी ना सोच रहा हूँ वीडियो एंड करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। काफी मेन जो क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिए, तो करते हैं आज की वीडियो को एंड। आई होप आपको जो जो पूछना था मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर दी है, बाकी अगर कुछ रह जाएगा थोड़े टाइम के बाद तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पर लाइव भी आएगा सांची के साथ, तो लाइव में ज्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने में क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाई, हम तो इंस्टाग्राम पर कभी लाइव आए ही नहीं है ना। तो जल्दी हम लाइव भी आएंगे उसके बारे में आपको बता देंगे। तो अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हुआ फटाफट जाके फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके सांची और मेरे को दोनों को फॉलो करो। करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं।